हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास क्लासिक साइंस चैप्टर नेम इज इन आउट ये डिटेल में बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम इसके एन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो चलो शुरू करते हैं हेयर कम्स अ क्वेश्चन नंबर वन विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इन टू कम्पोस्ट बाय द रेड वोम्स रेड से कौन सा गार्बेज कन्वर्ट कम्पोज में नहीं होता जो नॉन बायोडिग्रेबल होता है वो नहीं कंपोज होता रेड आर अनेबल टू विकम्पोज नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट मटीरियल ब्रोकन ग्लास एल्यूमिनियम फॉयल प्लास्टिक एंड पॉलिथिन बैग्स ठीक है इसका ही बी पार्ट आ गया हैव यू सीन एनी अदर बिसाइड्स रेड इन योर वेट If yes, try to find out their names, Draw pictures of these. So, is the answer. Yes, saprophytic organisms that help in the breakdown of biodegradable materials include bio bacteria and moods, which can be seen under a microscope and have white, black, or grayish cottony patches. आपको जो है ना बैक्टीरिया या मूल्स नजर आ जाते हैं उसके बीच में पर वो अनेक से नहीं नजर आते बहुत छोटे होते हैं वो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं तो अगर आप पेट्स में देखो ये तो नजर आते हैं इसके अलावा और जो आपको नजर आ सकते हैं वो है जैसे आपको ये रेड बग नजर आ जाता है या आपको स्पाइडर नजर आता आ जाता है जिनके आप ये पिक सिंपल पिक्स हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस इस गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पांसिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट क्या गार्बेज को डिस्पोज कैसे करना वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है तो ये इसमें आंसर में देखो आप ये इसमें अकेली सोल रिस्पांसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की नहीं होती बट वी बीइंग द सिटीजंस रिस्पांसिबल सिटीजंस ऑफ द कंट्री हमारी ज़िम्मेवारी भी है ठीक है हर एक सिटीजन की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो गार्बेज को जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे ही थ्रो किया जाए कोशिश करो जो आपका वेट वेस्ट है वो अलग और ड्राई वेस्ट जो है अलग डिस्पोज ऑफ करो जितना हो सके वेट वेस्ट को आप अपने किचन गार्डन में यूज कर सको पिट बना के उसको यूज कर सकते ठीक है एवरी सिटीजन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट इन गार्बेज डिस्पोजेबल एंड इन एडिशन टू द गवर्नमेंट एंड लोकल म्युनिस्पल कार्पोरेशन

जेस पी रही हो डिस्पोजल ग्लासेस में तो वो जो है ऐसे सड़क पे या कहीं पे भी थ्रो नहीं करें उनके जो प्रॉपर उनकेस्टबिन बने हुए हैं उनमें थ्रो किया जाए ताकि आपका गार्बेज जो है प्रॉपरली जो वहाँ पे सफाई करने के लिए आएंगे गार्बेज और आराम से इजीली इजिली वो डिस्पोज करने में उनको भी ईजी रहेगा ठीक है इसका बी पार्ट है इज इट पॉसिबल टू रिड्यूज अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज क्या प्रॉब्लम जो गार्बेज के साथ है वो कम की जा सकते हैं डिस्पोजेबल को लेके यस yes, की जा सकती है इफ यू यूज अ फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन मिनिमाइज अ प्रॉब्लम विद गार्बेज डिस्पोजल बिल्कुल हम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं अगर हम कुछ जो स्टेप्स है वो फॉलो करे वो स्टेप्स कौन से हैं गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द प्रॉपर लोकेशन ऑन स्ट्रीट रोड पार्क एक्सेट्रा इट शुड नॉट बी थ्रोन मतलब इधर उधर कहीं पे की गंदगी ना फैलाओ जहाँ पे प्रॉपर उनकी डस्टबिन जहाँ पे प्रॉपर उनको आपको दिया गया कि यहाँ पे थ्रो करना है वहीं पे थ्रो किया जाए ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कर रहे हो अगर आप किसी को देख रहे हो आप उसको भी अवेयर करो कि प्लीज इधर उधर गिरने के बजाय वो डस्टबिन में थ्रो करें ठीक है जो में से आप आप कर कर सकते हो उसको तो कर लो आप, recycle. पर जो नहीं यूज करते हर चीजें तो नहीं यूज हो सकती है ना कुछ नहीं यूज हो सकते हैं तो उनको आप रिट लैंड डिस्पोजेबल फैसिलिटीज में आप डाल दो नॉन यूज यूजफुल पार्ट को के okay, उसमें वो क्या करेंगे ऊपर जो तो पूरा लैंडफिल भर जाएगा तो उसके ऊपर सैंड डाल के प्रॉपर उसके ऊपर वो ग्राउंड बन जाएगा आपका खेलने के लिए राइट right? और इसके अलावा है कि आप थ्री आर रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो वो, वो उनको भी फॉलो करो वो कौन कौन से थ्री रूल्स हैं? रिड्यूज Reduce. रिन्स Reduce कम करना यूज ओनली दिन इन ऑर्डर टू मीट योर नीड्स मीन्स आप कम से कम यूज करो उन चीजों को जिनको आपकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आप अवॉइड कर सकते हो तो आप उनको अवॉइड करो सेकेंड इज रीसाइकिल रिसाइकल मीन्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द मेटीरियल्स लाइक प्लास्टिक पेपर ग्लास एंड मेटल जैट है ट्रैश रीसाइकल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स जो आपके आप प्रोडक्ट्स के जो आप रिसाइकिल कर सकते हो जैसे आप आ, ग्लास घेर देते हो टूट गया ग्लास या आपका आ, पेपर है मेटल है प्लास्टिक है उनको जिनको आप थ्रो कर सकते हो जिन उनमें से जो अगर आप रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो उसको रिसाइकिल के लिए भेजो ताकि नया को, एक कोई और प्रोडक्ट बन जाए उससे उसको री हो जाए राइट देन कम्स री री यूज क्या होता है दिस टर्म रेफर टू समथिंग

नो, बॉटल को प्रॉपरली वॉश कर लो और जो उसमें स्टोर कर सकते हो उसको आप स्टोर करो यूज री यूज कर लो ठीक है अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री वो कहता है हमें व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम अब घर में देखो खाना बच ही जाता है तो वो जो खाना बच जाता है उसको आप क्या करते हो आंसर इज लेफ्ट ओवर फूड इन अदर किचन वे सच एज वेजिटेबल पील्स पेपर uh, गलती से आ गया यहाँ पे वेजिटेबल पील्स यहाँ पे फ्रूट्स आएगा फ्रूट पील्स आएगी ठीक है ये नहीं आएगा वेजिटेबल पील्स इसको काट कर दो कट कर दो आर डम्प्ड इनटू अ कंपोस्ट पिट टू बी टर्न्ड इनटू मैन्योर मैन्योर इज लेटर यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स ठीक है आप लेफ्ट ओवर फूड जो हो गया या आपका किचन में आपका किचन वेस्ट जो होता है जो आपकी पील्स बचती हैं वो सबको आप कंपोस्ट पेट में डालो और आपकी मेन्यू बन जाएगी जिनसे आपके प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है राइट right? इसी का आपका बी पार्ट आता है इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ इटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीव प्लेटर एट अ पार्टी विच वुड विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई आपको देखो प्लास्टिक प्लेट की प्लेट आ गई या आपको बनाना लिफ में आपका खाना आ रहा है तो आप किस में प्रेफर करोगे So? इसलिए वो आपका बाद में बाद है और वो हो जाएगा। पर जो आपका प्लास्टिक प्लेट है वो आपकी डीकम्पोज नहीं हो सो आंसर कम्स वी विल चूज अ बनाना लिव प्लेटर बिकॉज इट इज सिंपल टू कम्पोज एंड कैन बी यूज टू मेक मेन्योर इट इज पॉसिबल टू रिसाइकल प्लास्टिक प्लेट्स बट डूंग सो releases harmful gases that harm the environment. Composting cannot turn plastic items into manure. ठीक है? Next comes question number 4 wo aapko kehta hai collect pieces of different kinds of papers. Find out which of these can be recycled. जो आपके papers आप लेते हो different type के, उनमें से देखो कौन-कौन से आप recycle कर सकते हो और कौन-कौन से नहीं। जो आपके magazines का या notebooks का या Uh, ये जो पेपर्स आपके पास आते हैं आपके uh, न्यूज पेपर्स का पेपर है उनको आप पेपर वेस्ट हैं और उनको आप रिसाइकल कर सकते हो पर जो आपके शाइनी कोटेड पेपर्स होते हैं जैसे आपके गिफ्ट रैप्स हो गए उनको रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है सो so, पेपर वेस्ट फ्रॉम मैगजीन्स नोटबुक्स एंड अदर सोर्सेज कैन बी रिसाइकिल्ड शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर्स आर डिफिकल्ट टू रीसाइकिल ठीक है

उन दोनों में आप लेंस से देखो क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है बिल्कुल नजर आता है क्यों नज क्या नजर आता है जो रिसाइकल्ड पेपर होगा उसका एक रफ कोटिंग होगी इतनी स्मूथ कोटिंग नहीं होगी और जो आपका ओरिजिनल नया पेपर होगा उसकी हमेशा स्मूथ कोटिंग होती है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटीरियल वॉट वॉज अ पर्पज फॉर विच ईच वन एगा यहाँ पे वॉज आएगा तो डब्लू आ जाएगा ठीक है थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में दिस कस इन ग्रुप्स तो इसमें आंसर क्या आएगा जो द आइटम्स आर प्रोटेक्टेड यूजिंग पैकेजिंग मटीरियल लाइक थर्माकोल फोमशीट पेपर स्क्राप्स कार्डबोर्ड एंड जूट

या फोम शीट लगी होती है सो डेट उनके वो कोई डैमेज ना पहुंचे वो चीजें ना खराब हो तो उन्होंने पूछा कौन कौन से पैकिंग मटेरियल में डिफरेंट चीजें होती हैं वो कौन सी आ गई आपकी द आइटम्स आर प्रोटेक्टेड यूजिंग पैकेजिंग मटीरियल्स लाइक थर्माकोल फोम शीट्स पेपर क्राफ्ट कार्डबोर्ड एंड जूट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैक मटेरियल्स में आता है कार्ड बॉक्स प्लास्टिक कंटेनर्स एंड इन कंटेनर्स ठीक है इसका बी है गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड कौन सी चीज ऐसी हो, किस केस में आप आ, के एग्जाम कोई भी एग्जाम्पल दो जिसमें आप पैकेजिंग रिड्यूस कर सकते हो ये देखो पैकेजिंग फॉर चॉकलेट्स क्लोथिंग शूज एंड टॉयज कैन बी मिनिमाइज उनको आप प्रॉपरली उनकी आपकी जो है वो आप पैकेजिंग जो है वो कम कर सकते हो क्लोथिंग को प्रॉपर उसमें शूज़ की की टॉयज़ उनकी जो पैकेजिंग है ये नहीं कि पैकेजिंग नहीं करो पैकेजिंग करो पर कम कर सकते हो इसका सी पार्ट है राइट स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ गार्बेज पैकेजिंग इंक्रीज करती है गार्बेज का अमाउंट नो डाउट अब वो कह रहा है नोट लिखो कैसे वो इंक्रीज करती है देखो टू प्रोटेक्ट

आप उसको स्क्रैप में गिर देते हो ट्रैश में गिर देते हो कूड़े में गिर देते हो सिमिलर टू अदर पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग कैंस अल्मीनियम सब हमारा कूड़े को ही बढ़ा रहा है मेनी आइटम्स आर सोल्ड इन स्मॉल पैकेट्स इंक्लूडिंग घी रिफाइंड ऑयल सोप्स डिटर्जेंट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ फूड्स दिस शोज क्लियरली दैट पैकेजिंग इनक्रीजेज अमाउंट ऑफ गार्बेज यही अगर आपके कुछ चीजें हैं जिनको आप इनकी पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हो सो so डैट अगर डिस्पोजेबल बर्तनों में प्लास्टिक बॉटल्स में जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो है वो गार्बेज में नहीं जाएगा इट कैन बी रीयूज ठीक है नाउ द लास्ट क्वेश्चन कम्स डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कम्पोस्ट इनस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वाई कंपोस्ट तो हमेशा ही अच्छी होती है केमिकल फर्टिलाइजर से <coughs> वो कह रहे हैं कैसे इट इज बेटर टू यूज कम्पोस्ट इन केमिकल फर्टीलाइजर्स ड्यू टू द फॉलोइंग इज सेफ फॉर द एनवायरमेंट कोई हार्मफुल गैस नहीं आती उसमें इट फर्टिलिटी एंड का टेक्स्टर और की फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है देन कम्स केमिकल डैमेज द दॉल्स नेचुरल कॉम्पोजिशन एंड आर हार्मफुल टू ह्यूमन केमिकल फर्टिलाइजर्स तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ना आपकी सॉइल के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी कंपोस्टिंग एड्स इन द ऑफ मटेरियल्स एंड गार्बेज है आप उसको जो भी या वेस्ट है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो कंपोस्टिंग से अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो उसमें वो प्रॉपर यूज नहीं होता ठीक है देन कम्स केमिकल फर्टिलाइजर्स ड्रेनिंग डैमेज वाटर क्वालिटी एंड किल्स एक लाइफ जो केमिकल फर्टिलाइजर जब वो ड्रेन होते हैं तो वो क्या करते हैं वो सॉइल में जाता है या पानी में जाता है तो वो जो पानी की वाटर क्वालिटी है उसको भी खराब करता है और जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैंटिक एनिमल्स जो है उनकी लाइफ को भी डेंजर है लास्ट कम्स वाइल्ड मेकिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इज एक्सपेंसिव